दक्षिण अफ्रीका पर भारी पड़ सकते हैं ये तीन भारतीय खिलाड़ी, पंत के लिए करो या मरो। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 15 सितंबर से तीन मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत होगी। अब तक दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ टी20 सीरीज में 14 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से भारत ने 8 और दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं। एक मैच का नतीजा नहीं निकला है। टी20 मैच में पहली बार इन दोनों टीमों की भिड़ंत 2006 में दक्षिण अफ्रीका के वांडरर स्टेडियम में हुई थी। भारत ने वह मैच 6 विकेट से जीता था। आखिरी बार इन दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 श्रृंखला 2018 में हुई थी, जब भारत ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था और मैन इन ब्लू ने 2-1 से श्रृंखला जीती थी। ऐसे में हम आपको उन तीन खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जिन पर सभी की नजरें होंगी। नवदीप सैनी, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने टी20 करियर में शानदार शुरुआत की है। उन्होंने अब तक 3 मैच खेला है, जिसमें नवदीप ने 7.09 की इकोनॉमी से 5 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने विंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। कृणाल पांड्या, पांड्या ब्रदर्स कृणाल पांड्या क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। परिस्थिति के मुताबिक वे अच्छी गेंदबाजी करते हैं, साथ ही कप्तान कोहली उन्हें समय के अनुसार गेंदबाजी के लिए आजमाइश करते हैं। कृणाल ने टी20 क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है। ऋषभ पंत, हाल ही में ऋषभ पंत को लेकर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा था कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के पास तीनों प्रारूपों में अपनी क्षमता दिखाने का समय आ गया है। अनुभवी महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर स्पष्टता नहीं है, जिससे पंत अब तीनों प्रारूपों में पसंदीदा विकल्प बन गए हैं और चयन समिति द्वारा वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम चुने जाने के बाद मुख्य चयनकर्ता एमएस के प्रसाद ने भी इस ओर इशारा किया था। बता दें कि पंत ने टी20 मैच के 17 पारियों में 21.57 की औसत से 3 पौधे बनाए हैं।